हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पनीर बटर मसाला बनाने जा रही हूँ। इसके लिए जो सामग्री मुझे चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम, टमाटर 5 मीडियम साइज कटे हुए, प्याज 1 मीडियम कटा हुआ, लहसुन 8 से 10 कलियाँ, अदरक 1 इंच, हरी मिर्च 2, गरम मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 2 टीस्पून, काजू 50 ग्राम जिसे मैंने 3 घंटे भिगोकर उसके बाद ग्राइंड करके इस तरीके से रख लिया है, बटर 100 ग्राम, दालचीनी 1 स्टिक, जपत्ती 1 स्टिक, लौंग 3, छोटी इलायची 2, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और क्रीम 3 बड़े चम्मच। अभी बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें दालचीनी, जपत्ती, लौंग, छोटी इलायची डालूंगी और इसे अच्छे से हिला लूंगी। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। इसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये हम डाल देंगे। हमें इसे बहुत अच्छे से नहीं पकाना है फ्रेंड्स, मैं इसे सिर्फ सॉटे करूंगी। अभी अच्छे से सॉटे हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। इसे हमें 2 मिनट तक पकाना है। अब मेरे टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें 5 मिनट के लिए साइड पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। मैंने जो मसाला रेडी किया था फ्रेंड्स, उसे मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। अब हम दोबारा से कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेंगे और अब मैं इसमें 2 पीस बटर के डालूंगी। हमें बटर को मेल्ट होने देना है। अब ये मटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें देगी मिर्च डालूंगी। इसके बाद गरम मसाला ऐड करूंगी। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद जो मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा था, मैं उसे इसमें ऐड करूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। हमें इसे 3 मिनट तक पकाना है। अब मेरा ये मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। इसके बाद काजू का जो पेस्ट मैंने रेडी किया था, मैं इसमें वो ऐड करूंगी। हमें इसे 2 मिनट तक पकाना है। मसाले को मैंने अब 2 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे।
अब मैं इसमें बटर डालूंगी। कसूरी मेथी ऐड कर रही हूं मैं इसमें। आपको इसे क्रश करके ऐड करना है। इसके बाद जो फ्रेश क्रीम मैंने ली थी मैं इसमें वो ऐड करूंगी। मैं 3 चम्मच डाल रही हूं। अब हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।